दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी LCD या LED के की लॉक हो जाते हैं और वो काम नहीं करते तो आपने दोबारा इनको किस तरह से अनलॉक करना है और इस मसले को किस तरह से हल करना है, आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताने जा रहे हैं। चलें आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और बताते हैं। अब आपने अपने रिमोट से मेन्यू और 1147 ये कोड डायल करना है तो आपके पास इस तरह का मेन्यू शो हो जाएगा। ये फैक्ट्री सेटिंग है LED और LCD की, ये फैक्ट्री सेटिंग है। यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो आपको शिपिंग मोड मिल जाएगा। ये शिपिंग मोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने अपने रिमोट से जो वॉल्यूम इंक्रीज का बटन होता है राइट साइड को, उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप अपना रिमोट से राइट साइड को इंक्रीज वॉल्यूम वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी LED जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से आपकी LED की फैक्ट्री रिस्टोर हो जाएगी। तो आपके जो की लॉक हो गए थे वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे और वो वर्क करने लग जाएंगे। एक बार फिर से आपको कोड रिपीट कर देते हैं कि मेन्यू उसके बाद 1147 ये कोड है, इसको डायल करके आप अपने जो LED की फैक्ट्री भी रिस्टोर कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपकी LED के की लॉक हो गए हैं उनको भी दोबारा से बहाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस तरीके से अपने जो आपकी LED लॉक हो गई है उसको जो फैक्ट्री रिस्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपनी LED की दोबारा से सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।